हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ रहे हैं क्लास सिक्स के मैथ्स के चैप्टर नंबर वन को, जिस चैप्टर का नाम है नोइंग आवर नंबर। और ये जो हम लोग का चैप्टर है, इस चैप्टर का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.1, इसे जो है अभी हम कवर कर रहे हैं। और हमने अपने पिछले वीडियो में जो है जो एक्सरसाइज 1.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें जो है हमें फिल इन द ब्लैंक्स दिया था, उसे जो है हमने कवर कर लिया है। अब इस वीडियो में जो हम लोग ये जो एक्सरसाइज 1.1 है, इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, प्लेस कोमा करेक्टली एंड राइट द न्यूमेरल्स, ये जो हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत डिटेलिंग में जानेंगे, पूरा जो एक्सप्लेन करके जो है मैं आपको ये बताने वाला हूँ, ठीक है, इसमें क्या करना है और कैसे होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारी ये क्लास। तो देखिए, इस क्वेश्चन को जानने से पहले हम लोग को जो इसमें बेसिकली क्या करना है, ये कोमाज लगाने हैं, ठीक है। जैसे कि ये जो हम लोग को नंबर्स नेम दिए, ठीक है, तो इनको जो न्यूमेरल्स में कन्वर्ट करना है। जैसे कि 73 है तो इसको जो 73 लिख देना है, ठीक है। ये जो नंबर नेम है इनको जो न्यूमेरल्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और साथ में जो कोमास भी लगाने हैं, ठीक है। अब कोमास कैसे लगाते हैं, तो देखिए, अगर हम इंडियन सिस्टम में कोमा लगा रहे हैं तो इंडियन सिस्टम में अलग कोमा लगता है, ठीक है, और इंटरनेशनल सिस्टम में अलग कोमा लगता है, ठीक है। अब सपोज़ कि इंडियन सिस्टम की मैं बात करूँ, ठीक है, तो मान लीजिए कि यहाँ पे 7789 42 दिया है, ठीक है, इतना नंबर दिया गया है, ठीक है। और इंटरनेशनल सिस्टम में भी जो हम लोग सेम इसे ये जो नंबर है, ठीक है, इसको ये जो नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसमें जो है इंडियन सिस्टम में कोमा लगाऊंगा, ठीक है, तो इंडियन सिस्टम में क्या किया जाता है, जो पहले जो शुरुआत के जो तीन डिजिट्स होते हैं, यानी कि जैसे कि 942 है, ठीक है, तो इनको छोड़ के कोमा लगाया जाता है, ठीक है। पहले जो तीन डिजिट्स होते हैं, ठीक है, किसी भी नंबर्स के, उनको पहले छोड़ा जाता है, ठीक है, तीन डिजिट्स को हमने छोड़ा, ठीक है, और फिर वहाँ पर कोमा लगा दिया, ठीक है। पहला जो शुरुआत जब हम लोग करते हैं, उसके बाद फिर आगे आने वाले जो नंबर्स होते हैं उनके अंदर हम दो दो कोमा लगाते हैं, यानी कि दो गैप करके। शुरू में जो हम लोग तीन गैप करते हैं नंबर्स और फिर कोमा लगाते हैं, उसके बाद फिर आगे से कि 7 8 है, तो फिर 7 8 के बाद लगाएंगे, ना कि 7 8 7 7 के आगे, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि 9 9 8 7 6 5 4 इतना दिया है, तो सबसे पहले हम लोग जो शुरुआत में जो तीन डिजिट्स मतलब तीन नंबर्स को जो गैप कर देंगे, तीन डिजिट्स को गैप करके एक कोमा लगाएंगे, फिर आगे वाले यानी जितने भी नंबर्स होंगे, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जो है 7 8 है, ठीक है, 87 है, तो फिर अब दो दो लगाने हैं हम लोग को, ठीक है, यहाँ से दो दो लगाएंगे। यानी कि बेसिकली क्या करना है कि शुरुआत में अगर हम लोग कोमा लगा रहे हैं, ठीक है, तो शुरुआत में पहले तीन नंबर को छोड़ना है, ठीक है, और आगे तीन नंबर को छोड़ के एक कोमा लगा दिया, फिर दो दो नंबर को छोड़ के जो कोमा लगाना है। इस तरीके से जो है इंडियन सिस्टम में कोमा लगता है, आई होप समझ में आ गया आपको। वही अगर हम इंटरनेशनल सिस्टम की बात करें, तो इंटरनेशनल सिस्टम में क्या करना पड़ता है कि पहले जैसे कि तीन कोमा लगाया, ठीक है, और फिर यहाँ पे तीन कोमा लगा दिया, यानी कि इंडियन सिस्टम में शुरुआत में शुरुआत के जो तीन नंबर है उसको छोड़ा हमने, फिर कोमा लगा दिया, फिर आगे के दो दो नंबर को जो छोड़ छोड़ के हम लोग इंडियन सिस्टम में जो है कोमा लगाते हैं। वही इंटरनेशनल सिस्टम में क्या करते हैं कि हर तीन तीन डिजिट्स को जो गैप दे के हम लोग जो नंबर्स लगाते हैं। जैसे कि यही सेम उतार लेते हैं, 8 9 9 8 7 6 5 4 ऐसे, ठीक है। इंडियन सिस्टम में तीन हमने छोड़ा, फिर दो 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 करके जो है, और आगे मान लीजिए कि 9 7 है, तो फिर यहाँ पे 2 को हमने छोड़ा, ठीक है, दो दो गैप देते रहते हैं। वही अगर हम इंटरनेशनल सिस्टम में बात करें, तो इंटरनेशनल सिस्टम में शुरुआत में हमने तीन गैप दिया, फिर आगे भी तीन गैप दिया, इसी तरीके से हम लोग जो तीन तीन गैप देते रहते हैं, ठीक है, समझ गए आप। यानी कि इंडियन सिस्टम में पहले तीन गैप दिया, फिर दो दो गैप करके कोमा लगाते हैं। वही इंटरनेशनल सिस्टम में पहले भी तीन गैप दिया और आगे आने वाले जितने भी नंबर्स होंगे उन सब में जो तीन तीन करके गैप देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इंडियन सिस्टम में अलग कोमा लगता है और इंटरनेशनल सिस्टम में जो है अलग कोमा लगता है, ठीक है। तो ये अब हमने जान लिया, अब हम इन क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। तो पहला जो नंबर नेम है वो है 73, इसमें साथ में कोमा भी लगाना है, ठीक है। नंबर नेम तो आपने किया होगा, लेकिन साथ में इनको सबसे पहले न्यूमेरल्स में कन्वर्ट करना है, फिर उसमें कोमा भी लगाना है, ठीक है। ये जो इसमें हम लोग को बताया गया है, तो पहला है 73,75,307, ठीक है। अब सबसे पहले हम इसको जो है न्यूमेरल्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो अब न्यूमेरल्स में कन्वर्ट, जैसे कि क्या है 73 लाख, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जो 73 लिखते हैं, ठीक है। अगर हम लोग इंडियन सिस्टम को देखें हम लोग, तो अब 73 जो कितने नंबर पे आता है, उसकी पोजीशन क्या होती है,
तो वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लाख, टेन लाख, यानी कि टेन लाख में आता है, क्योंकि टेन लाख में क्या होता है, दो डिजिट्स होते हैं। तो जो 73 लाख है, ठीक है, ये किस में आता है, टेन लाख में आता है, ठीक है। तो उसके बाद फिर जो 73 क्या हो गया, 73 लाख हो गया, ठीक है। फिर से 75 यहाँ पे 75,000 हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर 307, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, और फिर यहाँ पे देखिए 307 है यहाँ पे, ठीक है, यानी कि अगर मान लीजिए यहाँ पे होता 742, यानी कि फिर 742 ऐसे लिखते हम लोग, लेकिन यहाँ पे क्या है 300, यानी कि यहाँ पे सिर्फ एक ही नंबर दिया है, और फिर यहाँ पे 100 को हम लोग जीरो मानेंगे, और फिर 7 दिया है, यानी कि 307 इस तरीके से लिखा जाएगा, 307, ठीक है। तो नंबर्स नेम तो आते ही होंगे आप सबको, तो इस तरीके से जो इसको हमने न्यूमेरल्स में कन्वर्ट कर लिया, अब हम लोग इसमें कोमा कैसे लगाएंगे, इंडियन सिस्टम है, क्योंकि इंडियन सिस्टम में ही मतलब इस तरीके से होता है, लैक आता है इंडियन सिस्टम में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, शुरुआत के जो 3 डिजिट्स है उनको छोड़ा हमने, फिर कोमा लगाया, फिर आगे के जो 2 डिजिट्स है, जैसे कि यहाँ जी रहा, ठीक है, यहाँ पे नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमने कोमा लगाया यहाँ पे, तो ये हमने लगा लिया, ठीक है, कोमा यहाँ पे पहले इसको छोड़ा, फिर यहाँ पे कोमा लगाया, फिर यहाँ पे कोमा लगाया, ठीक है। तो ये हमने कर लिया ए वाला पार्ट। बी वाले पार्ट में क्या है, 9,05,41, ठीक है। तो अब जो यहाँ पे क्या होते हैं, बहुत सारे बच्चे जो इसको जो न्यूमेरल्स में कन्वर्ट करने में जो गलती कर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे 9 करोड़ है, 9 करोड़ से डायरेक्ट 5 लाख हो गया, और 5 लाख से डायरेक्ट क्या हो गया, 41 हो गया, ठीक है। तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे 9 लिख देंगे, 5 लिख देंगे, और 41 लिख देंगे, ठीक है, इस तरीके से बहुत बच्चे करते हैं, लेकिन ये यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके नंबर्स को जानते हैं, 9 करोड़ जो है आधा कितने नंबर पे है, ठीक है। तो वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लाख, टेन लाख, करोड़, ठीक है। तो ये 8 नंबर पे आता है, यानी कि यहाँ पे जो है, जैसे मान लीजिए मैंने 9 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, उसके आगे जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, यानी कि 8 नंबर पे आता है इसके, और इसके पीछे जो 7 नंबर्स और होंगे, ठीक है। 9 हो गया, उसके बाद फिर 5 लाख हो गया, लेकिन 9 करोड़ से पहले क्या आता है, 10 लाख आता है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या होगा कि अब 5 लाख है, ठीक है, 5 लाख कितने नंबर पे आता है अब, तो वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लाख, 6 नंबर पे आता है, ठीक है। तो 6 नंबर पे जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि इस नंबर पे जो है यहाँ पे 5 लिखा जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है 5 लाख जो है कितने नंबर पे आता है, 6 नंबर पे आता है, ठीक है। फिर यहाँ पे जो है बीच में, लेकिन यहाँ पे एक जो जगह है, ठीक है, यहाँ पे एक छूट गया, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे 55 लाख होता, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक और 5 ले देते, या फिर मान लीजिए 44 लाख होता, अगर 2 नंबर यहाँ पे दिए होते हैं, तो यहाँ पे जो हम लोग उस नंबर को लिख लेते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही नंबर दिया है, 5 लाख दिया है, यानी कि यहाँ पे 5 होगा और यहाँ पे जो 0 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से करना है, 5 लाख, फिर 41, उससे 41 दिया है, 41 जो है सबसे लास्ट में आएगा, क्योंकि वंस में, वंस टेंस इसमें आता है, ठीक है, 41 यहाँ पे हो गया। अब फिर बचा यहाँ पे 3 जगह, तो इन 3 जगह में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1000 तो है नहीं, 10,000, 1000, ये सब तो है ही नहीं, ठीक है। तो उन जगह को जो यहाँ पे क्या होगा, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब वही कोमा की बात करें हम लोग, तो कोमा जैसे यहाँ पे पहले 3 यहाँ पे छोड़ के दिया जाएगा, फिर 2 को छोड़ के दिया जाएगा, फिर से 2 को छोड़ के दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से तो यहाँ पे कोमा भी लगाया जाएगा, ठीक है। तो ये हमने जान लिया ए पार्ट और बी पार्ट, ठीक है। अब हम सी पार्ट को जानते हैं, उसके बाद हम जो है पार्ट 3 को जो है करते हैं, ठीक है। तो पार्ट 3 में दिया है 7,52,21,302, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम इसको डिजिट्स में जो है कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 7 करोड़, 7 करोड़ किस नंबर पे आता है, ठीक है। तो इसको हम लोग काउंट कर लेते हैं, तो वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लाख, टेन लाख, करोड़, यानी कि 8 नंबर पे आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 7, ठीक है। और इसके जो है पीछे जो है हम लोग जो है 7 लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, क्योंकि 8 नंबर पे ये खुद है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। तो अगर हम लोग सबको काउंट करें तो 7 के साथ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, क्योंकि यहाँ से अगर हम लोग काउंट कर रहे हैं तो यहाँ पे जो 7 है वो किस नंबर पे आ रहा है, 8 नंबर पे आ रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर है 52 लाख, ठीक है। अब 52 लाख को भी जो हम लोग
काउंट कर लेते हैं किसमें आ रहा है, ठीक है। तो वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लैख, टेन लैख, ठीक है। क्योंकि ये 52 लैख है, यहाँ पे टू जो है डिजिट्स है, ठीक है, इसलिए किसमें आ रहा है, टेन लैख में आ रहा है, ठीक है। यानी कि ये किस पोजीशन पे आ रहा है, सेवन्थ पोजीशन पे, ठीक है। और 52 लैख है इसलिए यहाँ पे जो दो डिजिट दिया है, 5 और 2, ठीक है। तो एक सिक्स नंबर पर आएगा, एक सेवन्थ नंबर पर आएगा, ठीक है। तो जैसे कि जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे 5 लिखेंगे हम लोग और यहाँ पे 2 लिख देंगे, ठीक है। 52 लाख, फिर 21,000। अब जो है 21,000 किस में आता है, किस पोजीशन पे आता है, जब हम जान लेते हैं। तो 1, 10, 100,000, 10,000, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे भी जो है दो डिजिट्स दिए हैं, 2 और 1, ठीक है, 21, इसलिए ये भी जो है 10,000 में आएगा। 10,000 किस में आ रहा है, फिफ्थ नंबर पर आ रहा है, ठीक है। इसका पोजीशन जो है फिफ्थ है, फिफ्थ और फोर्थ, क्योंकि इसमें जो दो डिजिट्स दिए गए हैं, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5, यानी इन दोनों में आएगा। तो एक में आएगा 2 और एक में आएगा 1, ठीक है, 21,000। फिर यहाँ पे 302, तो अब यहाँ पे 3 लाइन बचे हैं, ठीक है। और 302 यानी कि जो है 3 ही यहाँ पे नंबर चाहिए, 302, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग नोट कर लेंगे 302, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया, ठीक है। तो इसके नीचे का लाइन में जो है मिटा देता हूँ, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद कोमा की हम बात करें, तो कोमा जो है इंडियन सिस्टम में हम लोग कोमा कैसे देते हैं। सबसे पहले जो है तीन डिजिट्स को छोड़ते हैं और फिर एक कोमा देते हैं, फिर जो आगे के जो टू डिजिट्स है उनको छोड़ते हैं और फिर जो हम कोमा देते हैं, ठीक है। तो ये हमने कर लिया सी वाला पार्ट, ठीक है। अब हम डी पार्ट करते हैं। डी पार्ट में 58,423,202, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे 58 मिलियन दिया गया है, यानी कि जैसे कि यहाँ पे जाहिर हो रहा है कि ये जो है इंटरनेशनल सिस्टम में आ रहा है, ठीक है। क्योंकि मिलियन किस में आता है, इंटरनेशनल सिस्टम में आता है, ठीक है। तो किस पोजीशन पे ये आ रहा है, इसको सबसे पहले हम काउंट कर लेते हैं, ठीक है। 58 मिलियन है, ठीक है। तो 58 मिलियन है तो यानी ये 10 मिलियन में आएगा, ठीक है। तो 1, 10, 100,000, 10,000, 100,000, 1,000,000, 10,000,000, ठीक है। यानी कि 8th नंबर पर आ रहा है, इसका पोजीशन जो है 8th पे। तो क्योंकि ये 58 है, यानी कि हाँ इसमें जो दो डिजिट दिए गए हैं, ठीक है। तो एक डिजिट 7 पे आएगा, एक डिजिट 8 नंबर पे, 8 पोजीशन पे आएगा, ठीक है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे 58, ठीक है, 58 लिख दिया हमने। और जो है एक 7 पे आ रहा है, एक 8 पे आ रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग जो यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। कितने, क्योंकि 8 है, ठीक है, 8 में हमने 2 लाइन ड्रॉ कर दिया है, तो 6 लाइन और बचे हैं, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। और तो यहाँ पे 58 मिलियन हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर 423, ठीक है, 423 यानी कि 100,000 में आ रहा है, ठीक है, 423,000। तो 100,000 किस में आता है, किस पोजीशन पे आता है, ये हम जान लेते हैं। तो 1, 10, 100,000, 10,000, 100,000, यानी कि अभी मतलब ये 6th नंबर पे आ रहा है, ठीक है। तो अभी जो इसको हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, क्योंकि 5 है जो है एक 8 नंबर, एक 8 पोजीशन पे आया है और एक 7 पोजीशन पे आया, ठीक है। अब ये सब 6th पोजीशन पे आ रहा है, ठीक है। और इसमें कितने नंबर दिए गए, ठीक है, 423, यानी कि इसमें जो 3 डिजिट्स है, 4, 2, 3, ठीक है। तो इसे हम लोग इस पर सबसे पहले 4 लिख देंगे, फिर इस पर 2 लिखेंगे और इस पर जो 3 लिखेंगे, ठीक है, 423,000, इस तरीके से जो लिखा जाएगा। तो ये हमने कर लिया 423,000। फिर है 202, ठीक है, यानी कि 3 लाइन वैसे भी और बचाए और किसी ने आए 202, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे 202, ठीक है, 202 है। तो इस तरीके से ये भी हो गया। और क्योंकि ये इंटरनेशनल सिस्टम में है, तो इंटरनेशनल सिस्टम में क्या किया जाता है कि थ्री डिजिट्स में जो गैप दे के किया जाता है, ठीक है। इंडियन सिस्टम में क्या जाता है कि पहले 3 डिजिट पे गैप दिया, फिर 2 डिजिट्स पर जो गैप दिया जाता है। लेकिन इसमें क्या किया जाता है कि शुरू से भी 3 डिजिट से किया जाता है और लास्ट तक जितना भी है, ठीक है, वहाँ तक जो एक कोमा भी 3 डिजिट्स तक लगाया जाता है। तो पहले यहाँ पे 202 है, फिर यहाँ पे मैंने जो एक कोमा लगाया, फिर है 423,000, तो इसके बाद फिर 3 के बाद जो है मैंने कोमा लगाया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है लगता है इंटरनेशनल सिस्टम में।
ठीक है, ये जो है दो हमने कर लिया। उसके बाद फिर ये है 23,30,010, ठीक है। तो इसका क्या हुआ, सबसे पहले 23 लाख यानी कि 10th लाख पे जो इसका पोजीशन आ रहा है, तो 10 लाख इसके ऊपर आता है, किस पोजीशन पे आता है, तो 1, 10, 100, 1000, 10,000, 10 लाख, यानी कि 7th नंबर पे आ रहा है। और क्योंकि ये इसमें जो है 2 डिजिट्स है, 2 और 3, ठीक है, तो यानी कि 1 7th पे 1 6th पे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 23 लाख, ठीक है, और 1 7th पे आ गया, 6 पे आ गया, फिर 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि 5 लाइन और बचे हैं, ठीक है। और यहाँ पे कर लिया 23 लाख, ठीक है। अब 23 लाख के बाद फिर क्या आएगा, 30,000, ठीक है, 30,000 जो है यानी कि 10,000 की पोजीशन पे आ रहा है, ठीक है, क्योंकि 10 लाख के बाद फिर क्या आता है, ठीक है, 10 लाख से पहले लैक आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 10 लाख हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद फिर लैक नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे पहले ही 10 लाख हो गया है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद फिर जो है लैक के बाद फिर क्या आता है, 1000 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है, 30,000, यानी कि यहाँ पे भी जो 10,000 की बात की गई है, ठीक है। 30,000 किस पोजिशन पर आता है, तो 1, 10, 100, 1000, 10,000, ठीक है, 5th पोजिशन पर आता है, ठीक है। तो अब क्योंकि यहाँ पे जो 2 डिजिट है, ठीक है, तो इसलिए एक पे 3 आएगा और एक पे जो 0 हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से होगा। और फिर सिर्फ 10 लिखा है, ठीक है। तो अब 10 लिखा है तो यहाँ पे फिर क्या किया जाएगा कि यहाँ पे एक और 0 दिया जाएगा, फिर यहाँ पे जो है 10 लिख दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि अब सिर्फ 10 लिखा है, ठीक है, क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ पे जो 3 डिजिट का कोई नंबर होता तो फिर हम लोग उसको लिख देते, जैसे मान लीजिए यहाँ पे होता 310, ठीक है, तो हम 310 को जो है 310 लिख देते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 10 है, इसलिए हम लोग जो 1 0 लगाएंगे और फिर 10 लिखेंगे, ठीक है। कोमा की बात करें तो जैसे कि पहले जो 3 डिजिट में कोमा लगा दिया और फिर जो आगे के 2 डिजिट में जो कोमा लगा दिया, ठीक है। तो ये हमने जान लिया ABCDE, ठीक है, जो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 है, प्लेस कोमास करेक्टली एंड राइट द न्यूमेरल्स, ठीक है। तो उसके हमने न्यूमेरल्स भी जान लिया और साथ में जो हमने कोमास भी लगा लिए, ठीक है। इसी के साथ ये जो हम लोग का वीडियो है ये कम्प्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को जानेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।